अफगानिस्तान के खिलाफ युवाओं से सजी पहले T20 मुकाबले के लिए टीम पाकिस्तान की घातक प्लेइंग 11 का ऐलान। जी हां दोस्तों, आखिरकार अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले पहले T20 मुकाबले के लिए कैसी है पाकिस्तान की प्लेइंग 11, बताएंगे आपको आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के खत्म होने के बाद अब पाकिस्तान की टीम अपनी तैयारियों में जुट गई है। पाकिस्तान की टीम को हाल ही में अफगानिस्तान के साथ T20 सीरीज में भिड़ना है। हालांकि कप्तान बाबर आजम की गैर हाजिरी में टीम अफगानिस्तान के खिलाफ इस T20 सीरीज में भिड़ेगी। न सिर्फ बाबर आजम बल्कि शाहिन शाह अफरीदी और विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को भी इस T20 सीरीज से आराम दिया गया है। ऐसे में पाकिस्तान की टीम युवाओं को पहले T20 मुकाबले में अजमाने जा रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पहला T20 मुकाबला 24 मार्च को खेला जाना है। यह मुकाबला शाहजहां के मैदान पर खेला जाएगा। इस T20 मुकाबले में पाकिस्तान की टीम की ओर से सईम अयूब और मोहम्मद हारिस हमें पारी की शुरुआत करते हुए नजर आने वाले हैं। ये दोनों ही खिलाड़ी काफी शानदार फॉर्म में हैं। साथ ही इफ्तिकार अहमद, इमाद वसीम, शादाब खान और एहसानुल्ला ने शानदार प्रदर्शन हाल ही में PSL में करके दिखाया है। ऐसे में ये खिलाड़ी भी पहले T20 मुकाबले में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा होने वाले हैं, जिसमें पाकिस्तान का पलड़ा ही भारी लग रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कप्तान शादाब खान पहले T20 मुकाबले में किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं। मोहम्मद हारिस और सईम अयूब की सलामी जोड़ी मैदान पर नजर आएगी, जबकि इसके अलावा प्लेइंग 11 में तैयब ताहिर, आजम खान, इफ्तिकार अहमद, हसीबुल्ला खान, इमाद वसीम, शादाब खान, एहसानुल्ला, जमान खान और नसीम शाह। तो दोस्तों, अफगानिस्तान के खिलाफ पहले T20 के लिए कुछ ऐसी होगी पाकिस्तान की प्लेइंग 11। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।